हेलो दोस्तों, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस का चौथा भाग लेकर आ गया हूँ, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्य रूप से पूछे गए हैं। वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ ही अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह के और भी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। प्रश्नों का क्रम शुरू करते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? अल्फा कणों की सहायता से की। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं उनकी परमाणु संख्या के आधार पर। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है वो बोस हैं। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 है। स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या लगभग समान है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10^-10 मीटर की। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी 18। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? उत्तर है 4 होगी। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? ऋण या धन में हो सकता है। 1.6 × 10^-19 सी होता है। परमाणु विद्युता होते हैं उदासीन रूप में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? उस तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2882। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? उत्तर है 2882। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। स्वर्ण पत्र गोल्ड फाइल से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? उत्तर है अल्फा कणों की। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। परमाणुविक संख्या जेड एवं द्रव्यमान संख्या ए के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जेड है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षारण की दर अपरिवर्तित रहती है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ की 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा 8 महीने का। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अपक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए बोरान का प्रयोग किया जाता है। 11Na22 से 1β उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ मैग्नीशियम Mg है। पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका आयु निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु के निर्धारण के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन एवं 11 प्रोटॉन की संख्या होगी। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। ऋण आवेशित परमाणु यानी ऋण आयन में प्रोटॉन की संख्या क्या है? उत्तर होगा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होगा। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हान ने किया था। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? तो वह अभिक्रिया विखंडन अभिक्रिया है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? कैडमियम प्रदूषण इटाई एक रोग है उससे संबंध है। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की उनका नाम मैडम क्यूरी है। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। उनमें से बहुत सारे ऑप्शंस जो रहते हैं उनको हटा के जो सही उत्तर है उसी को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? इस लेपन का नाम यशद लेपन है। चूहों की मारने की दवा क्या है? तो वह जिंक फॉस्फाइट है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। बॉक्साइट से ही एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। सीसी पेंसिल में सीसी की प्रतिशतता कितनी होती है? उत्तर है 0%। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो वह है भारी जल।
कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। इस प्रकार इस चौथे भाग में कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रहे हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए बगल में दिए गए लिंक से वीडियो देख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।